बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं तारीख का आईना। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सलजूक सल्तनत के तीसरे हिस्से की। पिछली एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरह तुगरल बेग ने जुरतमंदाना सिलाहियों से गजनवी सल्तनत को ढेर किया, और इन्हीं फतुहात के सिलसिले को आज आगे बढ़ाएंगे और आज की वीडियो में सलजूक सल्तनत की तारीख अपने इख्तिताम को पहुँचेगी। दोस्तों 1051 में तुगरल बेग ने इस्फहान फतह करके पाया तख्त को वहाँ मुंतकिल किया। 1055 ईस्वी में बगदाद की जामे मस्जिद में तुगरल बेग के नाम का खुतबा पढ़ा गया। इसी साल तुगरल बेग ने बगदाद की तरफ सफ़र किया और शहर में दाखिल होने की इजाज़त तलब की। खलीफा की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद काजील कसनात, अमीरुल अमरा और तमाम अशराफ़ शहर इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर आए। तुगरल बेग अपने सिपाहियों के साथ शान और शौकत से शहर में दाखिल हुआ। इसके लश्कर में 8 हाथी भी शामिल थे। तुगरल बेग को ताज पहनाकर अरब का जरी इमामा पहनाया गया। इसके गले में हार डालकर एक जरिंगार तलवार इसके कमर में बांधी। खलीफा ने एक और तलवार पेश करके इसको सुल्तानुल मशरिकुल मगरिब का खिताब दिया। इस दौरान इब्राहिम एनाल की बगावत की खबर पहुंची। ये तुगरल बेग की तरफ से अनातोलिया में मफतूहा इलाकों का सिपा सलार था, लेकिन इसके दिल में ये बात बैठ गई थी कि गोया तुगरल की तमाम तर फतूहत मेरी तलवार के सबब मुमकिन हुई हैं। तुगरल बेग और इब्राहिम एनाल के माबैन जंग हुई, जिसमें तुगरल बेग गालिब आया। इसने एनाल का कसूर माफ़ करते हुए दोबारा अपने ओहदे पर बहाल किया, लेकिन मोसल की हुकूमत पर फाइज होने के बाद वह दोबारा बगावत पर उतर आया। अब की मरतबा वह तुगरल बेग से कई गुना बड़ा लश्कर लेकर इसके मुकाबले पर आया, लेकिन ऐन वक्त पर खरासान से अला परसलान और कावरत बेग के दस्ते इसकी मदद को आन पहुँचे। एनाल गिरफ्तार हुआ और तुगरल बेग के हजूर में लाया गया। अब की बार इसे माफ़ करना खतरनाक हो सकता था, इसीलिए इसी की कमान की तानत से इसे फांसी दे दी गई। जब तुगरल बेग एनाल के खिलाफ मसरूफ था तो इसी दौरान बेसासेरी की बागी सपाह ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। कई अमराव अहल शहर को कत्ल करके तख्त पर कब्जा कर बैठे। खलीफा को मजबूरन शहर तर्क करना पड़ा। एक साल तक शहर इनके कब्जे में रहा और मिम्बरों पर शिया फातमी खलीफा के नाम का खुतबा पढ़ा गया। दोस्तों 1058 के अवाखिर में तुगरल बेग बगदाद में वारिद हुआ और बसासेरी को शिकस्त देकर खलीफा को दोबारा तख्त नशीन किया। सलजूक सिपाह ने बसासेरी का ताकुब किया और उसका सर पेश किया। 1060 ईस्वी में तुगरल की बीवी के इंतकाल के बाद अगले साल इसने खलीफा की बेटी से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। खलीफा पर यह बात नहायत ग्रां गुजरी, क्योंकि अब्बासी खानदान में आज तक बाहर से किसी का रिश्ता ना हुआ था और ना ही कोई ऐसी जुरत कर सकता था। बिलाखिर खलीफा राजी हुआ और 1062 में निकाह हुआ। उसी वक्त तुगरल बेग की उम्र 70 बरस थी। बगदाद में खुशी के शादियाने बजाए गए। तुगरल बेग और इसके अमरा ने तुर्की नगमों पर रक्स किया। खलीफा की इजाज़त से दुल्हन को दारुल हुकूमत रे शहर ले जाया गया। इसके 7 माह बाद तुगरल बेग ने बीमार होकर वफात पाई। तुगरल बेग की कोई नरीना औलाद ना थी, इसीलिए चागरी बेग के बेटे अला परसलान को सुल्तान मंतखब किया गया। दोस्तों ये थी अजीम सलजूक सल्तनत की मुख्तसर तारीख, जो आज की वीडियो में अपने इख्तिताम को पहुँचती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अजीम सलजूक हुक्मरान अला परसलान और बाज़ंतीनी बादशाह के दरमियान होने वाली जंग मलाज़गत, जो आज की तारीख का एक अहम मौजू है। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।